अलवर में एक और निर्भया मौत से जूझ रही है। 3 दिन बाद भी उसके गुनहगारों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। वो नाबालिग बच्ची जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, पुलिस और प्रशासन तो मानने को भी तैयार नहीं कि मासूम के साथ रेप हुआ। मामले ने सियासी तूल पकड़ा तो गहलोत सरकार की नींद खुली। हम इंसाफ चाहते हैं, न्याय मिलना चाहिए। राजस्थान कलवर में उस नाबालिग बच्ची को कैसे मिलेगा इंसाफ और न्याय जिसके साथ दहशत भरी दरिंदगी करने वाले अपराधियों को 3 दिन से ज्यादा बीतने के बाद अलवर की पुलिस खोज नहीं पा रही। सरकार से ये जान कहना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पकड़ में आए ये दरिंदे जो ऐसी हरकत की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा अपनी बच्ची के गुनहगारों को दिलाने की मांग करते इस पिता को क्या वाकई न्याय मिलेगा, जहां मूक बधिर बच्ची के साथ हुए घिनौने अपराध के बाद प्रशासन खुद मानो गूंगा बहरा होने की कोशिश कर रहा है। वजह बताते हैं, यह है अलवर के कलेक्टर, नाम है नन्नूमल पहाड़िया। ये कलेक्टर साहब कितने गंभीर हैं अपने जिले में एक ना बोल पाने वाली और ना ही सुन पाने वाली बच्ची के साथ हुए अपराध पर, आप देखिए इनका फोकस कैसे सिर्फ अभी इस बात पर है कि इसे रेप कहो ही मत। इसको दुष्कर्म कहना शायद हमारी जल्दबाजी हो जाएगी, वो अनुसंधान और मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही प्रकट हो पाएगा कि दुष्कर्म हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कोई गैंग रेप है, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक हमारे पास अवेलेबल है। आपको लग रहा होगा कि डिले हो रहा है, क्योंकि पुलिस के पास में अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे लग रहा हो किसी दरिंदे ने कोई दरिंदगी की हो। क्लूलेस पुलिस है या फिर रेप के अपराध में नंबर वन चलते राजस्थान में क्लूलेस बनाने की कोशिश हो रही है। कारण समझने के लिए किरदार नंबर 2 हैं तेजस्विनी गौतम, अलवर की एसपी, जो अलवर की बेटी के साथ हुए अपराध पर घटना के दिन यौन शोषण की बात कह रही थी, अब वही कहने में हिचकिया लेने लगती हैं। हालांकि उसकी ब्लीडिंग प्राइवेट पार्ट्स में से काफी हुई है, तो संभवतः सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है और अभी हम यहाँ मौके पे हैं। डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने ये बताया है कि वजाइना एंड हाइमन आर इंटैक्ट, एनस इज इंटैक्ट एंड इंजरीज आर नॉट सजेस्टिव ऑफ पेनिट्रेटिव असॉल्ट। इसका मतलब ये कि अभी रेप की संभावना नहीं है, जिसकी रिपोर्ट के अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट में आया वो मैंने आपको बताया। राजस्थान के अलवर जिले के 15 साल की मूक बधिर बेटी के साथ हुआ जघन्य अपराध दिल्ली के निर्भया मामले के जख्म की यादें ताजा करने वाला है। जहां एक तरफ इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन मूक बना बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। राजनीति करने वाले भी देखें, जयपुर के जिस अस्पताल में अभी बच्ची का इलाज चल रहा, वहाँ के अधीक्षक अलवर की बेटी को मिले घाव पर क्या बताते हैं। वुंड तो थोड़ा ज्यादा ही खराब तरह का था, वुंड को अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया गया, 7-8 डॉक्टरों ने मिलकर उसको किया, जिनमें प्लास्टिक सर्जन थे, गायनी के लोग थे, और 2.5 घंटे के करीब सर्जरी चली। ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि डॉक्टर जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि हमने रिक्रिएट किया है, रिपेयर किया है, 2.5 घंटे तक 7 डॉक्टरों की सर्जरी चली है, ये अपने आप में डराने वाला है कि बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ किस तरह से दरिंदे व्यवहार कर रहे हैं। और सूबे की जो महिला विकास मंत्री हैं वह कह रही हैं कि सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से समाज की जिम्मेदारी है, मगर सरकार में आप बैठे हैं तो यह बताना होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं के खिलाफ क्यों होता है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को तय करनी होगी। जिम्मेदारी राजस्थान में कैसे तय होती है ये भी हम आपको दिखाते हैं। अलवर के कलेक्टर साहब को अपने जिले में एक मूक बधिर नाबालिग बच्ची से हुए अपराध पर दूसरी बच्चियों का आवाज उठाना भी नागवार है, आप इसे जरूर सुनिए। क्या नाम है नंबर 2 हमारी एडीएम। अरे आप मेरी बात सुनिए, इन बच्चों को काम में मत दीजिए। एक पापा जी के नंबर 2 पापा जी से बात करें इसके से। 3 दिन बाद जो अलवर में अपराधी नहीं खोज पा रहे, फिलहाल वो आवाज उठाने वाली बच्चियों के पापा का फोन नंबर जरूर खोज रहे हैं ताकि इन बच्चियों को डरा सके, दबा सके। ये उस राजस्थान की कहानी है जहां मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी हैं। अलवर से देवंकुर वधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
चुनाव के ऐलान के बाद भी यूपी की योगी सरकार बदमाशों की जमकर खबर ले रही है। नोएडा में पुलिस को अंदेशा है कि बदमाश चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं। पुलिस ने इसका भी तोड़ निकाला। पुलिस दल बल के साथ इन बदमाशों के घर धमक रही है और थमा रही है रेड कार्ड। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाओं से लेकर अपने इंटरव्यू में एक बात जोर देकर कहते हैं कि उन्होंने गुंडों बदमाशों को सबक सिखा दिया और अब चुनाव से ऐन पहले एक बार फिर योगी की पुलिस ने बदमाशों की अच्छी खबर ली है। देखिए नोएडा में पूरा पुलिस का अमला रोड पर उतरा है। इसका मकसद भी खास है। मकसद ये है कि कहीं चुनाव में बदमाश गड़बड़ी ना करें, इसके लिए उनको चेताना। इसका तरीका भी खास निकाला गया है। देखिए कैसे बदमाशों के घर घर जाकर पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। पुलिस के हाथ में कुछ रेड कार्ड भी हैं। हर बदमाश के घर जाकर रेड कार्ड थमाए जा रहे हैं। रेड कार्ड यानी साफ चेतावनी कि चुनाव में गड़बड़ी से बाज आए। गड़बड़ी फैलाने वाले लोग होते हैं या जहां पे कभी कोई परेशानी हुई हो, इन सभी जगहों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध जो भी वहां पे प्रिवेंटिव एक्शन हो सकता है, हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे। अनाउंसमेंट के बाद से ये चीज और भी इंटेंसिफाई हो गया है और जितने इस तरह के हमारे हिस्ट्री सीटर्स हैं, एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं, इस तरह के जितने लोग हैं, इनके विरुद्ध हम लोग लगातार दबिशे दे रहे हैं, इनको ढूंढ रहे हैं, जो मिल रहा है उसको, उसके एंटीसीडेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, उसकी सारी गतिविधियों पे हमारी बहुत पैनी नजर है। हमारे बीट कांस्टेबल से लेकर के तमाम लोग, सभी लोग सड़कों पे हैं, सारे अधिकारी सड़कों पे हैं। नोएडा पुलिस ने जिले के तमाम अपराधियों की फहरिस्त तैयार कर ली है। इनमें हिस्ट्री सीटर, गैंगस्टर, जिला बदर तमाम अपराधी शामिल है। अब हर बदमाश के घर दबिश दी जा रही है। जनता अगर बदमाशों के बारे में खबर देना चाहे तो एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। एक सी विजिल ऐप है, सी डैश विजिल। ये बेसिकली सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से आप किसी भी जगह पर जाकर वहां अगर कोई भी चीज रिपोर्ट करना है तो उसकी सारी चीजें आप उसमें डाल करके आप हमें भेज सकते हैं। और आपका, चूंकि आपका कोई आइडेंटिटी हम कहीं डिस्क्लोज नहीं करते और आपके पास आप कहां से आ रहा है हमारे पास पता भी नहीं चलता, और हम लोग बड़े आसानी तरीके से इस तरह के पोटेंशियल डिस्टरबेंस वाले इश्यूज को हैंडल करते हैं। पुलिस इस तरह से मुस्तैद रही तो कम से कम निष्पक्ष चुनाव को कोई नहीं रोक पाएगा। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए नोएडा पुलिस ने कमर कस ली है। जगह जगह पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। अर्धसैनिक बलों को और पुलिस पीएसी के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। खास बात यह है कि नोएडा पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन रेड कार्ड चलाया है, जिसके तहत इलाके के बदमाशों और हिस्ट्री शीटर को पाबंद किया जा रहा है ताकि वो किसी भी असामाजिक गतिविधि को अंजाम न दे सके। कैमरामैन अभिषेक के साथ तंसीम हैदर, नोएडा, आज तक।